जो हमारे हर जगह एक सपोर्ट के रूप में रहते हैं। इसके पहले मैं एक बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो भी जिस स्थिति परिस्थितियां आई हैं, हमारे साथ ये हमेशा खड़े रहे। एक समय ऐसा था कि इस ग्राउंड में हमें शुरुआत करनी थी 10 सालों पहले, और यहाँ पर बहुत सारी अकेडमियां चलती थी और मुश्किल था मुझे यहाँ दौड़ाना, वो भी निःशुल्क रूप से, क्योंकि यहाँ काफी शुल्क हुआ करता था। इनके माध्यम से, हरिओम ग्रुप के माध्यम से मुझे इस ग्राउंड में जगह मिला, और मैं तो इन्हीं का आशीर्वाद, इन्हीं का स्नेह मानूंगा कि आज 8036 बच्चों का चयन ओपी ग्रुप से हो पाया है। इसका श्रेय मैं अपने सहयोगी को देना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आज ये नारी शक्ति जो मिली है और जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उस बारे में मुख्यमंत्री जी की योजना जो चली है, और साथ ही अपना इन बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप लक्की जी से आग्रह करूंगा कि दो शब्द इन्हें आग्रह करें। सभी युवा साथियों को, छोटी बहनों को, और मेरे सबसे परम बड़े भाई मैं कहूंगा ओपी सर को, और जो उन्होंने शब्द कहे हैं, ये संरक्षक नहीं, मैं आपके परिवार का ही सदस्य हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जब ओपी सर को अपना बड़ा भाई मानता हूं, और ये आपका अपना बेटा, छोटी बहन या बच्चे ऐसे मानते हैं, तो ये माने ये मेरा ओपी जो ग्रुप है, मेरा एक परिवार है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, सबसे पहले कि ठंड बहुत ज्यादा है, हम जोर से बोलेंगे जय हिंद। थोड़ी गर्मी आई है ना। सबसे पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला शक्तिकरण का जो मध्य प्रदेश में कैंपेन चलाया जा रहा है, वो इसलिए है क्योंकि हम लोग पहले ये कहते थे कि हमारा देश पुरुष प्रधान है, पर अगर महिलाएं ही नहीं साथ में होंगी तो देश कैसे हमारा देश, हमारा प्रदेश हमारे साथ होगा। आज महिला और पुरुष दोनों ही प्रधान है, ये नया वाक्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने चालू कराया है। क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं, पुरुष और महिला साथ रहेंगे जब भी हमारा देश शक्तिमान और आगे बढ़ेगा। और महिलाओं के सम्मान में एक बात जरूर कहूंगा कि जो आज ये बेटियां बैठी है, मुझे उन्हें देखकर बड़ा गर्व होता है, क्योंकि जब ये बेटियां सेना में जाती हैं, पुलिस में जाती हैं, या ट्रैफिक में जाती हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के काम करती है, आईएएस अधिकारी बनती हैं, तो मेरे जैसे भाई को बड़ा गर्व होता है कि कहीं ना कहीं जो पुरुष, भैया बुढ़ावन मानना पुरुष, जो पुरुष असुरक्षित महसूस करते हैं अपने इस समाज में, कहीं ना कहीं ये महिलाएं भी उन्हें सुरक्षित करती हैं पुलिस डिपार्टमेंट के रूप में। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि पुरुष और महिला बराबरी में रहे, कहीं ना कहीं प्रदेश को हम आगे करें। इसीलिए एक परी कैंपेन भी चल रहा है, जिसके द्वारा उन्होंने हर बच्चे को एक परी का नाम दिया है। एक परी कैंपेन आपने सुना होगा, एड के माध्यम से आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो बेटियां हैं वो परी के समान हैं, और जो मुख्यमंत्री हमारे मामा जी हैं, वो कहीं ना कहीं हर बेटी को अपनी भांजी मानते हैं। तो उनका एक सपना है कि उनकी भांजियां जो परी रूप में है, वो सेना में आगे बढ़े, पुलिस में आगे बढ़े, आईएएस अधिकारी बने, और कहीं ना कहीं एक समाज में एक ऐसा मुकाम हासिल करें कि वो देश में नहीं विदेशों में भी जाकर अपना नाम रोशन करें। तो मेरा आप सबको, ओपी ग्रुप को बड़ा बड़ा सहयोग है, और जो लोग बच्चियां सिलेक्शन हुई हैं उनको भी बहुत दिल से आभार, और जो बच्चियां मेहनत कर रही हैं मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, क्योंकि मैंने यहां देखा है सर की जो टीम है वो इतनी ईमानदारी से और इतनी ताकत से अपने बच्चों के लिए काम करती है, वो पुरुष हो महिला हो, या आप मानेंगे नहीं, मैंने ऐसी देखी जिनकी शादियां हो चुकी थी, जो घर बार समाज हो चुके थे, पर वो यहाँ आई और उन्होंने कहीं ना कहीं सर से आके रिक्वेस्ट करा कि हमें पुलिस में जाना है, तो सर ने उन्हें ट्रेनिंग दी, और कहीं ना कहीं उन महिलाओं ने भी अपने पुलिस की नौकरी करी, और आज उन्हें परिवार को भी संभाल रही है, और कहीं ना कहीं अपने देश की सेवा भी करी, समाज की सेवा भी करी। तो मेरा आप लोगों से, भाइयों से, और बेटी छोटी बहनों से निवेदन है कि
हम लोग यहाँ पर ये सोचकर मेहनत करें कि हमें अपने परिवार का नाम, अपने प्रदेश का नाम और अपने देश का नाम आगे करना है। यहाँ पर मेहनत में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसका तो आप नमूना देखते ही हैं कि इस ग्रुप में वही रह पाता है जो मेहनत करता है, इस ग्रुप में वो नहीं रह सकता जो मेहनत नहीं करता है। आलसी आदमी ओपी ग्रुप में नहीं रह सकता है। इस बात के लिए एग्री होगी नहीं? तो भैया मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जुड़ें, अच्छी मेहनत करें, आपके उज्जवल भविष्य की मेरे ओर से, मेरे अवस्थी परिवार की ओर से, तुलसी स्लॉट मित्र मंडल की ओर से, मध्य प्रदेश भाजपा सरकार की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब लोगों को जय हिंद, जय भारत। और कल 26 जनवरी पे पूरे दिन छुट्टी करवाना सर, इनको जरा देश के लिए आराम से एक्सरसाइज करें और बढ़िया एंजॉय करें, है ना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अवस्थी जी।